मुनीबा मजारी, जो कि ग्रेट पाकिस्तानी एंकर, आर्टिस्ट, मॉडल, सिंगर एंड मोटिवेशनल स्पीकर है, जिन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा जाता है। उनकी यूट्यूब पे एक स्पीच है जिस पे 27 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज है, और जब मैंने स्पीच को सुना तब मुझे लगा कि यार इस स्पीच के लिए 27 मिलियन बहुत ही कम व्यूज है। लिटरली इसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने सोचा कि इस स्पीच को सिर्फ 27 मिलियन ही नहीं बल्कि और भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये स्पीच इंग्लिश में है और मेरे मोस्ट ऑफ व्यूअर्स हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को इंग्लिश आती ही आती हो। तो मैं स्पीच को हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ मेरे उन चंद दोस्तों के लिए जिन्हें अपनी ज़िंदगी तो बदलनी है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर की वजह से अपनी ज़िंदगी में अच्छी वीडियोज़ कंज्यूम नहीं कर पाते। देखो, मैं पहले ही क्लेम कर लेता हूँ कि आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, आई एम नॉट अ ट्रांसलेटर हु कैन ट्रांसलेट एनी लैंग्वेज। मेरे पास ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है जिससे मैं आपकी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट लाइक यू, मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, और मैं आज आपके सामने अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने नॉलेज के बेस पर यह वीडियो ला रहा हूँ। तो मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए इन स्पीकिंग, इन ट्रांसलेटिंग ऑफ एनी पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मेरा विजन हमेशा आप लोगों की कामयाबी है। सो आई होप ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। सो बिना किसी देरी के इस पावरफुल स्पीच की शुरुआत करते हैं। वाओ, अभी मेरे पास शब्दों की कमी है लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि आज मुझे बोलना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे प्यार के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्वीकारने के लिए, थैंक यू वेरी मच। वेल, मैं हमेशा अपनी बात की शुरुआत एक छोटे से डिस्क्लेमर से करती हूँ, और वो डिस्क्लेमर है कि मैंने कभी भी मोटिवेशनल स्पीकर होने का दावा नहीं किया है। हाँ, मैं बोलती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, एक कथाकार हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे मैं अपनी कहानी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वेल, ये कहानी उस महिला की है जिसने लोगों को ये महसूस कराया कि कभी भी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती बल्कि हम छोटे होते क्योंकि हम उसे संभाल नहीं पाते। ये कहानी उस महिला की है जिसने हमें समय समय पर यह एहसास कराया कि सच्ची खुशियाँ कभी भी पैसा, सफलता और प्रसिद्धि में नहीं मिलती, सच्ची खुशियाँ हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहती है। तो आज मैं यहाँ पर हूँ और आज मैं आपको जिस महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी कहानी है, द स्टोरी ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं शब्दों की ताकत में बिलीव रखती हूँ। बहुत सारे लोग सोचने से पहले बोलते हैं लेकिन मैं शब्दों की वैल्यू को जानती हूँ। द वर्ड्स कैन मेक यू ब्रेक यू, दे कैन हील योर सोल, दे कैन डैमेज यू फॉर एवर। शब्द आपको बना भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, वो आपकी आत्मा को ठीक भी कर सकते हैं और वो आपको हमेशा के लिए चोट भी पहुंचा सकते हैं। तो मैं जहां भी जाती हूँ हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलने की कोशिश करती हूँ। वो लोग इसे एडवर्सिटी कहते हैं, मैं इसे अपॉर्चुनिटी कहती हूँ। वो लोग इसे वीकनेस कहते हैं, मैं इसे स्ट्रेंथ कहते हूँ। वो लोग मुझे डिसेबल्ड कहते हैं, मैं खुद को डिफरेंटली एबल्ड कहती हूँ। वो लोग मेरी डिसेबिलिटी को देखते हैं, मैं खुद की एबिलिटी को देखती हूँ। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, घटनाएं हैं जो आपकी ज़िंदगी में होती है, और वो घटनाएं, इंसिडेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आपके पूरे DNA को बदलते हैं। वो इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आपको फिजिकली पूरी तरह से तोड़ देंगे, वो आपकी बॉडी को ख़राब करेंगे लेकिन वो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। वो इंसिडेंट्स आपको तोड़ेंगे, ख़राब करेंगे लेकिन वो आपको आपके बेस्ट वजन में डालेंगे, और यही चीज़ मेरे साथ भी हुई, और आज मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ जो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ था। जब मेरी शादी हुई तब मैं 18 साल की थी, मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी हो। मेरी शादी के 2 साल के बाद मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, मेरे हस्बैंड कार में सो रहे थे और कार गड्ढे में जा गिरी। वो जैसे तैसे कार से बाहर निकल गए और खुद को बचा लिया। मैं उनके लिए बहुत ही खुश हूँ लेकिन मैं कार के अंदर ही रह गई और मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी। डरो मत, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा दायां पैर फ्रैक्चर हो चुका था, रिस्ट फ्रैक्चर था, मेरा शोल्डर बोन और कलर बोन दोनों फ्रैक्चर हो चुके थे, और यहाँ तक कि मेरा पूरा रिब केज ही फ्रैक्चर था।
और क्योंकि मेरा पूरा रिब केज फ्रैक्चर था, इसलिए फेफड़े और लीवर में भी बहुत बड़ी चोट पहुंची थी। लेकिन इसी चोट ने मुझे और मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। मेरा पूरा बैकबोन ही क्रस्ट हो चुका था और मैं पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मैं वहाँ पर 2.5 महीनों तक रही। डॉक्टर ने मेरे हाथों में बहुत सारे टाइटेनियम डाले, मेरे पीछे बहुत सारे टाइटेनियम लगे थे, इसलिए पाकिस्तान के लोग मुझे आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। हॉस्पिटल के वो 2.5 महीने मेरे लिए बहुत ही खतरनाक थे। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आए और कहने लगे, वेल, मैंने सुना है कि आप एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, आप फिर से पेंट नहीं कर सकती क्योंकि आपके ब्रिस्ट और आर्म्स पूरी तरह से फ्रैक्चर है, इसलिए आप फिर से पेंट नहीं कर सकती। मैं थोड़ी देर चुप रही। दूसरे दिन डॉक्टर मेरे पास आए और कहा, आपकी स्पाइन इंजरी बहुत ही खराब है, तुम दोबारा चल नहीं सकते। मैंने बहुत ही गहरी सांस ली और मैंने कहा, ठीक है। तीसरे दिन डॉक्टर मेरे पास आए और कहा, चूंकि आपकी स्पाइन इंजरी और फिक्सेशन जो आपके पीछे लगे हैं, इसलिए आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मुझे अभी भी याद है, मैंने अपनी माँ से पूछा कि मैं ही क्यों, और वहीं से मैंने अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू किया कि मैं जी क्यों रही हूँ, फिर जीने का मतलब ही क्या है। मैं चल नहीं सकती, मैं पेंट नहीं कर सकती, फाइन, ठीक है, मैं एक माँ भी नहीं बन सकती। मेरी माँ ने कहा कि ऊपर वाले के पास आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लान है, मुझे पता नहीं कि वो क्या है, लेकिन उसके पास ज़रूर है। आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता ही होता है। 2 साल के बाद और 2.5 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं फाइनली व्हीलचेयर पे बैठने के काबिल बनी। जिस दिन मैं पहली बार व्हीलचेयर पे बैठी, ये जानते हुए कि मैं अपनी ज़िंदगी के आराम के लिए चल नहीं पाऊंगी, तब मैंने खुद को आईने में देखा और मैंने खुद से बात की। मुझे अभी भी याद है कि मैंने क्या कहा था, मैं ऐसे कोई चमत्कार का इंतज़ार नहीं कर सकती जो आए और मेरी चलने में मदद करे। मैं घर के कोने में बैठ के रो नहीं सकती क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने डर से लड़ने जा रही हूँ। हम सब के पास डर होते हैं, डर जान का, डर अनजान का, डर डर लोगों को खोने का। हम अपने करियर में एक्सल बनना चाहते हैं, हम फेमस बनना चाहते हैं, हम पैसा चाहते हैं, हम हर वक्त डरते रहते हैं। मैंने एक एक करके उन सारे डर को लिखा और मैंने ठान लिया कि एक दिन मैं इन सारे डर को जीत के रहूंगी। मेरा सबसे बड़ा फियर था कि मैं मदर नहीं बन सकती। फिर मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्वीकार करने वाला कोई नहीं है, सो यहाँ पे रोने की कोई बात ही नहीं है, जाओ और उनमें से किसी एक बच्चे को गोद में ले लो। और मैंने वही किया। तब वो बच्चा 2 साल का था और आज वो 6 साल का है। ये सब चीज़ें मुझसे अकेली से नहीं हुई। हमेशा एक बात याद रखना कि सफलता के रास्ते में हमेशा हम होते हैं, ना कि मैं। ये कभी मत सोचना कि आप अकेले इस चीज़ को अचीव करने जा रहे हो। नो, एक इंसान होता है जो हमेशा आपके पीछे रहता है। हो सकता है आपके सामने ना आता हो, लेकिन आपके पीछे रहता हो, आपके लिए दुआएं करता हो। उस इंसान को कभी मत खोना, कभी नहीं। मेरी ज़िंदगी में 3 लोग हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और मैं उन लोगों से हर रोज़ इंस्पिरेशन लेती हूँ। 1, वलीद खान। 2, नायल। मेरी ज़िंदगी का दूसरा हीरो है मेरा बेटा नायल। मैंने इस बच्चे से बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले पेशेंस, हाउ टू बी पेशेंट। जब आपको पता चले कि आपकी माँ चल नहीं सकती, ऐसी कंडीशन में शांत रहना, ये मेरे बच्चे ने सिखाया। मुझे अभी भी याद है, एक दिन वो रूम में आया और बोला, मॉम चलो फुटबॉल खेलते हैं, और उसने बॉल को मेरे पैरों में फेंका और उसने कहा, चलो किक मारो। और उस दिन मैंने खुद को डिसेबल्ड फील किया। मैंने कहा कि मैं बॉल को किक नहीं मार सकती। उसने मेरे सामने देखा और कहा, चलो कोई बात नहीं, आपके पैर काम नहीं करते लेकिन हाथ तो करते हैं ना, चलो बॉल को कैच करके खेलते हैं। उस दिन उसने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि जब भी आपको लगे कि आपका ग्लास आधा खाली है, तो कम ऑन यार, आधा भरा तो हुआ है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। तीसरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी एक वूमेन जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। जब सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए थे, तब ये मेरे सामने थी और कहती थी,
गॉड हैज बेटर प्लान फॉर यू। ऊपर वाले के पास तेरे लिए कुछ ना कुछ तो है, उम्मीद मत खोना। यस, वो थी मेरी मॉम। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ। क्या आपको पता है हम इंसानों की प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। ये मेरा काम है और ये काम अपने प्लान के मुताबिक चलना ही चलना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं कभी भी व्हीलचेयर पे बैठना नहीं चाहती थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मुझे अपने काम की कीमत चुकानी पड़ी। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए। आप डरते हो तो भी कोई बात नहीं, आप रोते हो तो भी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार मान लेना ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि फेलियर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मैं कहते हूँ कि फेलियर एक ज़रूर ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप हारेंगे तब आप फिर से उठेंगे, फिर आप फेल होंगे फिर उठेंगे। इसी से पता चलता है कि एक इंसान कितना स्ट्रांग है। फेलियर एक ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन हार मान लेना बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह ज़िंदगी जीने के लिए सपने देखते हैं। आप हर सेकंड में सांस ले पाते हो, इसके लिए अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत पैसे कमाते हो और अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करते हो, ये ज़िंदगी नहीं है। आप बाहर जाओ, ऐसे लोगों को ढूंढो जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, आप उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। जब आपको ये रियलाइज़ हो कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदली है और आपकी वजह से ये बंदा हारा नहीं है, तब आप इसे लाइफ कहेंगे। कभी हार मत मानना, यही एक ऑप्शन है ज़िंदगी जीने का। मैं अपनी बात को एक छोटी सी शॉर्ट नोट से ख़त्म करूँगी। अपनी ज़िंदगी को खुशी से जियो। आप जहाँ भी हो अपने आप को स्वीकार करो। बी काइंड टू योर सेल्फ। मैं फिर से कहती हूँ, बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने आप से प्यार करो और इस प्यार को फैलाओ। लाइफ बहुत ही कठिन होगी, वहाँ पे बहुत ही टर्मोइल्स होंगे, आपका परीक्षण भी किया जाएगा, बट यही चीज़ होगी जो आपको स्ट्रांग बनाएगी। कभी हार मत मानना। सच्ची खुशियाँ कभी भी पैसा, सफलता और प्रसिद्धि में नहीं होती। मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन ये मैं सब कुछ नहीं चाहती थी। सच्ची खुशियाँ हमेशा ग्रेटिट्यूड में होती है। सो बी ग्रेटफुल, बी अलाइव और अपने हर पल को जियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।